हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। कल के सेशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिला, बट आज भी अगर आप देखो एक साइडवेज रहा, एक रेंज में फंसा रहा मार्केट। अब कल एक्सपायरी है तो कल भी मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। और आज अगर आप देखो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। सो हो सकता है थोड़ा एक्सपायरी नीचे की तरफ हो, बैंक निफ्टी में 22,000 के अराउंड एक्सपायरी हो और निफ्टी में 11,350 के अराउंड एक्सपायरी हो। 11,300 से 11,400 ये रेंज निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में हमें 22,000 के अराउंड एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है, ये पॉसिबिलिटी लग रहा है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी का चार्ट आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में ही है, अभी थोड़ा सा साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये कंटिन्यूसली हायर हाई जो बना रहा था वो हायर हाई कहीं ना कहीं रेंज थोड़ा छोटा होते जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। हो सकता है एक निफ्टी स्मॉल रेंज में फंसा रहे, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 11,200 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना चाहिए, बड़ा फॉल 11,200 के नीचे ही आ सकता है। तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा एक साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है 11,200 से लेके 11,500 की रेंज में। तो हो सकता है निफ्टी 300 पॉइंट की रेंज में एक बार फंसा रहे, कंसोलिडेट करे। 11,500 अगर क्रॉस करता है तो अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है, और 11,200 अगर क्रॉस करता है नीचे में तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो एक रेंज में फंसा हुआ है, और नीचे में 21,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और ऊपर में 22,500 क्रॉस होता है तो एक बड़ा बूम हमें देखने को मिल सकता है, 21,500 के नीचे बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए कल के सेशन में मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 22,000 के अराउंड एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आज अगर आप क्लोजिंग में देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कल थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल जो रेंज रहेगा वो 21,500 से लेकर 22,500, ये रेंज मुझे लग रहा है कि ये रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको मुथूट फाइनेंस सेल दिया था आज 1250 के नीचे, इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा। एचएल मैंने आपको बाय दिया था 2217 के ऊपर, इसमें मैंने 7-8 रुपए के लॉस में मैंने एग्जिट करा दिया, क्योंकि इसमें सेटअप क्लियर नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम में एग्जिट का मैसेज दे दिया था, 7-8 रुपए का इसमें लॉस हुआ है। और बीपीसीएल जो है मैंने आपको 400 के नीचे सेल दिया था, 397 तक गया ये। कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा, फास्ट प्रॉफिट, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया टाइमली तो इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 6 रुपए का। तो बीपीसीएल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एचयूएल में थोड़ा बहुत लॉस हुआ, और मुथूट फाइनेंस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। एंड मैं आपको 18 अगस्त के ट्रेड भी बता देता हूँ। हीरो मोटो मैंने बाय दिया था 2934 के ऊपर, गैप अप ओपनिंग हुआ था, नीचे आया, उसके बाद वापस 2934 के ऊपर गया, और उसके बाद 2955 तक जाके आया ये। इसमें हीरो मोटो में हमें 15-20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एलएनटी जो मैंने बाय दिया था वो बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ 18 अगस्त के ट्रेड में। एंड बालाकृष्ण इंडस्ट्री जो मैंने सेल दिया था वो भी सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। सो 18 अगस्त में सिर्फ हीरो मोटर ट्रिगर हुआ था, उसमें प्रॉफिट आया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में बीपीसीएल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, एचयूएल का जो मैंने बाय ट्रेड दिया था उसमें मैंने 7-8 रुपए का लॉस में एग्जिट कराया है। एंड मुथूट फाइनेंस जो मैंने आपको सेल दिया था उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको आया होगा। ये था फॉलो अप ऑन प्रीवियस कॉल्स। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये बहुत बड़ा फॉल आया था, ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट 3-4 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर ये रेंज के नीचे वापस जाने लगा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और 2800 का राउंड ऑफ नंबर भी टूटा है, हायर पॉसिबिलिटी इसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। सो टोरेंट फार्मा काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। ओएनजीसी का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी नेगेटिव लग रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और आज का जो पैटर्न है वो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, आप देख सकते हो। अगर इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, बट ओएनजीसी भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है कल के इंट्राडे सेशन के लिए। वोल्टास काफी अच्छा बाय लग रहा है, और मुझे लगता है वोल्टास ये जो लेवल है 670 यहाँ तक जा सकता है। सो यहाँ से करीबन 10-15 रुपए का और हमें अपमूव देखने को मिल सकता है, स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, बट एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। और मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको लॉस वाले ट्रेड्स हाइड करूंगा या लॉस वाले ट्रेड नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको जनरली रियल ट्रेड दे रहा हूँ, और ऑब्वियसली जब रियल ट्रेड दे रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ स्टॉप लॉसेस भी होंगे, कुछ ना कुछ टारगेट्स भी होंगे,
ओवरऑल नेट ऑफ में प्रॉफिट आता है लास्ट 3 महीने का जो भी कॉल्स दिए हैं, आप वीडियोस में जाके देख सकते हो क्रॉस चेक, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है कॉल्स का। अगर हम लोग 10 दिन लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है 1-2 दिन स्टॉप लॉस हो, लेकिन नेट ऑफ में प्रॉफिट आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 1-2 स्टॉप लॉस से आप डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं तो टारगेट भी होंगे, और आप लोगों ने देखा है, जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने देखा हुआ है कि मेरे कॉल्स कैसे चलते हैं। मेरे चैनल पे जो भी मैं ट्रेड देता हूँ उसका आपको क्लियर फॉलोअप मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस है तो मैं आपको खुद ही वीडियो में बता दूंगा स्टॉप लॉस हुआ है, और अगर टारगेट है तो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि टारगेट अचीव हुआ है। मेरे चैनल पे मैं कोई भी ट्रेड हाइड नहीं करता, जो है स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस है और टारगेट है तो टारगेट है। लेकिन जो भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं एक लॉजिक के साथ में ले रहे हैं, सिस्टम के साथ में ले रहे हैं, लॉसेस भी है तो लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।